नॉर्थ ईस्ट का लगभग 95% पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन होने से अलग अलग प्रोटीन सोर्स होते हैं, जैसे कि आपका फिश है, आपका चिकन है, आपका पोर्क है, आपका मटन है, लेकिन लगभग ज़्यादातर एक्सेप्टेबिलिटी जो है फिश का है, वो कॉमन सोर्स है, सबको एक्सेप्टेबिलिटी। और क्योंकि इधर बारिश जो इतना ज़्यादा होती है 2000 मिलीमीटर एवरेज में पारे नाम होते हैं बारिश, और आपका बारिश ज़्यादा होने से अलग अलग जगह में आपको स्पेशली आप वैलीज में जाएंगे तो ऐसा फार्म पॉन्ड आपको देखने मिलेगा। तो फार्म पॉन्ड में अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक फार्मिंग करें तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है। इन जनरल जो हमको हार्डली 600 से 700 केजी पर हेक्टर मिलती है, लेकिन साइंटिफिक फार्मिंग से हमको 3 टन मतलब 3000 केजी पर हेक्टर मिलने का अनुमान है या मिलते रहते हैं। तो अलग अलग जगह का हिसाब से, डिमांड का हिसाब से, क्लाइमेट का हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया गया है और उसको हम लोग अभी जो डिसिमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि फिश का साथ, फार्म पॉन्ड का साथ आपको डाक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, सो फिश प्लस डाक फार्मिंग, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी में डाक का सर्वाइवल और डाक को पानी का भी ज़रूरत होते हैं। तो ये सिस्टम में डाक फिश प्लस डाक फार्मिंग एक एक्सेप्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, और फिश प्लस पोल्ट्री तो ये दूसरा है, फिश प्लस पिग ये भी एक एक्सेप्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, और फिर फिश प्लस डेयरी। तो अलग अलग फार्मर का साइज़ का हिसाब से, पॉन्ड का साइज का हिसाब से, फिर उसका डिमांड का हिसाब से अलग अलग फार्मिंग सिस्टम मॉडल करते, और उसमें जो पॉन्ड होते वो पॉन्ड का डाइक, उसको भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए पॉन्ड डाइक में सब्जी लगाया जाता है, जैसे कि आपका बॉटल गॉर्ड, फिर स्क्वाश, ये सब पॉन्ड का साइड में जो आपका डाइक में जो आपका स्ट्रक्चर बना के उसका वाटर बॉडी का ऊपर में आप स्क्वाश को या बॉटल गॉर्ड को आप ग्रो कर सकते हैं। उससे हमारा वर्टिकल इंटेंसिफिकेशन हो जाते और साथ में फार्मर को इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। फ्रूट को भी आप पॉन्ड का तीन साइड में आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपका पीच हो, अगर ठंडा जगह है तो पीच है, फिर कोई कोई फार्मर बनाना लगाते हैं, फिर एरिका नट को भी लगाते जो अपना एक प्लांटेशन क्रॉप से, फिर असम लेमन, तो दीज आर मतलब कोई लोकेशन का हिसाब से बड़े अच्छा कम्बिनेशन है। तो उसमें सबसे फ़ायदा होता है हमारा जो फिश और लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन होने से, जो फिश को जो खाने का ज़रूरत होता है, जो फिश फीड, वो आर्टिफिशियली देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो आपका डायरी फार्म हो तो डायरी का सॉलिड कंपोनेंट को निकालने के बाद जो लिक्विड रहते हैं, जैसे यूरिन प्लस जो कंपोनेंट जो फार्मर निकाल नहीं पाते, तो वो जो वॉशिंग करने का समय जो लिक्विड जो मिक्स होते हैं, वो अगर फार्म पॉन्ड को आप डाइवर्ट कर दे तो उससे फार्म में जो अलग अलग जो आपका जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन जो बोलते हैं, जो फिश का मेन खाना होते हैं, उसका ग्रोथ पॉन्ड में ज़्यादा हो जाता है। तो उससे आपको जो आर्टिफिशियल फीड का पॉन्ड में ज़रूरत नहीं पड़ती, कम से कम 60-70% रिक्वायरमेंट उसी का थ्रू मीट हो जाते हैं। तो उससे फार्मर को 2 से 3 टन फिश प्रोडक्टिविटी आराम से मिल जाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में अगर लाइव फिश है उसका डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, दाम भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। आपका जाति का हिसाब से रोहू 2 से 3 किलो का हो तो कम से कम 150 से 200 रुपया पर किलो मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कम से कम 50 से 55% जो फिश का रिक्वायरमेंट वो बाहर से होती है। तो आपका आंध्र का, फिर आपका ये फिश जो है अभी भी इधर आते रहते और इसका रिक्वायरमेंट फुल होते। तो ऐसा इनलैंड जो फार्म पॉइंट्स है इसको अगर हम प्रमोट करें और साइंटिफिक फार्मिंग करें तो इससे हमको फिश का रिक्वायरमेंट भी नहीं खाली मिलेंगे बल्कि फार्मर को साल भर इनकम भी होते रहेंगे और उनका लाइवलीहुड भी बढ़ते रहेंगे। तो फिश पॉन्ड मैनेजमेंट में आपका लाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो ज़्यादातर केस में हमारा इधर पानी का जो पीएच होते वो 4 से 5 का बीच में होते, तो हम अगर उसमें लाइमिंग करें फ्रीक्वेंट इंटरवल में तो उससे पीएच को 6 से 7 का आसपास ले जाने का कोशिश करते। फिर अगर हम इसमें फर्मियड मेन्यूर वो भी ढालते तो उससे भी फॉर्म जो पॉन्ड का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो पानी में मच्छी के लिए वो अच्छा रहते और आपका जो फाइटोप्लांक्टन और जू प्लांक्टन का ग्रोथ उसमें अच्छा होते। तो वो हमारा फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो साइंटिफिक फिश मैनेजमेंट पैकेज डेवलप किया हुआ है, कंपोजिट फिश फार्मिंग को प्रमोट करते, जैसे कि पानी का लेयर होते उसमें सबसे नीचे जो फिश है उसको हम बोलते हैं बॉटम फीडर, फिर बीच में जो कॉलम होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम फीडर, फिर ऊपर में जो होते हो सरफेस फीडर, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस बना के फिश को रिलीज करने से पानी का जो है उपयुक्त जो वो एफिशिएंट यूज़ होते और उससे फार्मर को इनकम भी ज़्यादा मिलता है।